सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह दीआं वधीआं मुश्किलां। संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। 4 अक्तूबर नूं हुई सी संजय सिंह की गिरफ्तारी। गुरदासपुर वासियों ने मिले बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराजी बस टर्मीनल का तोहफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सांझे तौर पर किया उद्घाटन। वड्डी जनसभा को भी किया संबोधन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित पटीशन। पटीशन उत्ते सुनवाई करदे हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले नाल संबंधित मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह विरुद्ध चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने यह चार्जशीट मनी लॉन्डरिंग रोकू कानून दीयां वख-वख धाराओं तहत राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल की है। इस मामले में एक पूरक चार्जशीट है क्योंकि एजेंसी ने इस तो पहला लगभग 5 अजिहियां शिकायतां दायर कीतियां ने। यह चार्जशीट कुल 60 पन्नों की है। मनी लॉन्डरिंग मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी ने उस उत्ते अपने साथियों रही सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा तो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लैण का दोष लगाया। इस तो पहला संसद मैंबर संजय सिंह 24 नवंबर को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया सी। फिर अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक वधा दी सी। इस तो पहला अदालत ने 10 नवंबर को संजय सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा सी। उसकी हिरासत 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार को पूरी हुई सी। इस दे नाल ही हेठली अदालत तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक उन्हां दी जमानत पटीशन रद्द हो चुकी है। जिक्रयोग है कि ईडी ने संसद मैंबर संजय सिंह 4 अक्तूबर को गिरफ्तार किया सी। सरहदी जिले गुरदासपुर और पठानकोट के वासियों को वड्डा तोहफा देंदिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूबे में विकास क्रांति के नवे युग की शुरुआत करने की मुहिम जारी रखदिया 1854 करोड़ रुपए की लागत वाले वख-वख विकास प्रोजैक्ट लोगों समर्पित किए और कई प्रोजैक्टों का नींह पत्थर रखिया। इस दौरान दोवें मुख्यमंत्री ने सरहदी जिले लिए नवे प्रोजैक्टों का ऐलान किया। दोवें मुख्यमंत्री ने लोगों 402 करोड़ रुपए की लागत न गुरदासपुर सहकारी खंड मिल में को जनरेशन प्लांट नाल नवी खंड मिल और 296 करोड़ रुपए की लागत नाल बटाला सहकारी खंड मिल विखे को जनरेशन नाल नवी खंड मिल का तोहफा दिता है। ये माणवते प्रोजैक्ट जनवरी 2024 में कार्यशील होणगे जो गन्ना उत्पादकों लई वरदान साबित हो सकणगे। उन्होंने बटाला ग्रंथियों 360.83 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले 400 KV पावर प्रोजैक्ट अते PSPCL दी RDSS स्कीम तहत गुरदासपुर 129.54 करोड़ रुपए और पठानकोट 93.24 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों की भी शुरुआत की है। इस तरह दोवें मुख्यमंत्री ने पठानकोट वासियों को 53.30 करोड़ रुपए की लागत नाल सेहत संभाल बुनियादी ढांचे जिमें OPD लैब्स OT कार पार्किंग के नवीनीकरण का तोहफा दिता है। इस मौके एक जनसभा भी करवाई गई जिस विच दोवें आगुओं ने विरोधियों उत्ते तिखे निशाने साधे और गुरदासपुर का सर्वपक्षी विकास करने की गल कही है। अज सब तो पहला मैं स्वागत करदा दिल्ली दे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का इत्थे पहुंचन ते स्वागत करदा। कोई ना क्योंकि उन्हां दी कुर्सियां खुस रही ने फिर एक अद्धे बंदे नूं तां भेज ही दिंदे आ वो भी थोड़ा जिहा खराब कर दो प्रोग्राम नूं। पर उन्हां नूं ये नहीं पता कि दरियावां नूं नक्के नहीं लग सकते। दरिया आपका रस्ता आप बनाते ने। ये लोगों का दरिया आया होया है, ये लोगों का सैलाब है। सो इस करके एक दो आए होंगे नहीं चरिया जाता क्योंकि जो भी तुसी कोई सिस्टम नूं बदलन की गल करते हो तो जिहड़े सिस्टम तो लाहा लैंदे ने वो जरूर विरोध करते हैं भी क्यों बदली जाने हो। इहदे नाल तां साडा धंधा ते साडियां दुकानां बंद हो जाणगियां। सो एक बार जोरदार ताड़ियां दे नाल अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करिए। अज
कोई 1854 करोड़ दे नवे नवे प्रोजेक्ट जड़े ने उन्हें बारे थोड़े नाल विस्तार च गल करना है। और पैसा असी उत्थे लाउणा जिथे लोगों फायदा हुंदा होवे। सब तो पहला असी यह देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट बनने आम लोगों फायदा हुंदा है, उन्हां दी जिंदगी च कोई सुधार आउंदा है, उन्हां नूं कोई सहूलत मिलती है। सब तो पहला असी वह प्रोजेक्ट ओके करते हैं। क्या बस स्टैंड है? बस स्टैंड बहुत पहला खराब हालत सी। असी बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा बस स्टैंड टर्मीनल है वह बनाया है, और उत्थे हर किस्म की सुविधा जी आधुनिक है वह उत्थे मौजूद है। इस करके असी उन्हां प्रोजेक्टां नूं पहला लागू करते हैं जिहड़े जिहदे नाल लोगों की जिंदगी सुधार आउंदा होवे, सहूलत मिलती होवे। इस तो पहला की हुंदा रहा? पता ही नहीं हुंदा सी आपां नूं पैसे कित्थे लग गए, पता ही नहीं हुंदा सी पैसे कित्थे चले गए, पता ही नहीं हुंदा सी केड़ी सड़क बनाती। वह सड़क कागजां च तां हुंदी सी पर सड़क ते धरती ते नहीं हुंदी सी। उहदी रिपेयर भी चली जांदी सी कागजां च, वह कई कई बारी उच्ची भी चकती कागजां च, धरती ते वह सड़क नहीं लभी। वह भी हुण लभण लग गई सानू सड़कां। तुहानू जाण के हैरानी होगी कि असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस थोड़ा जिहा पायलट जिहा हजे एक झलक जी असी चैक किया कि पंजाब दे विच जिहड़ियां सड़कां की रिपेयर होने वाली है उन्हां दा मैनुअल जिहड़ा एसटीमेट लाया होया पुरानियां गौरमेंटां दा, उहदे च ते जिहड़ा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस राही असी कराया 164 करोड़ रुपया बच रहा है जी। 164 करोड़ रुपया बच जूगा क्योंकि एसटीमेट ज्यादा लाता। और होर हैरानी की गल यह है कि लगभग 66,000 किलोमीटर सड़कों का असी आर्टिफिशियल जी इंटेलीजेंसी है वो राही चैकअप कराया, लेजर मार के पता लग जाता है। वह लेजर दस दिता है गड्डी दे विच उन्हूं लग जाता, वह लेजर दस दिता है केड़ा टोआ किन्ना डूंगा है, इत्थे किन्नी बजरी किन्नी लुक पऊगी। हैरानी की गल यह है 540 किलोमीटर यहोजियां सड़कां लभियां जिहड़ियां है ही नहीं, उन्हां दी रिपेयर भी हुंदी रही, उन्हां ते पैसे खांदे रहे। 540 किलोमीटर वह किवें? जिवें एक पिंड तो दूजे पिंड तक कोई 4.5 किलोमीटर की सड़क है उन्हूं 6.5 किलोमीटर लिखता, लग गया हो गया 2.25 किलोमीटर का फर्क पै गया। तो इदा कर करा के जे हरेक पिंड का भी किसी सड़क का 6 किलोमीटर सड़क है लिखती 8.5 ए करा के 540 किलोमीटर सड़क यहोजियां सरकार तो खजाने चो पैसा लेना कि वह सड़कों की रिपेयर करनी है जी। 8.5 किलोमीटर है पैसे 8.5 किलोमीटर के लेने पर हैगी 6 किलोमीटर है। इदा करके 540 किलोमीटर वह सड़क लभिया जिहड़ियां लोगों के टैक्स नूं खाई जांदियां सी। वह अफसर से कार्रवाई भी होगी जिन्होंने ये पुरानी सड़क किहड़े खाते च पा के जिहड़ियां पंजाब दे लोगों का पैसा लुटिया। पंजाब पैरां ते खड़ा हो रहा है, पंजाब अपना रेवन्यू भी उपर कर रहा है, पंजाब च नौकरियां भी मिल रही ने, पंजाब च स्कूल भी खुल रहे हैं, स्कूल ऑफ एमीनेंस खुल रहे हैं, पंजाब च आम आदमी क्लीनिक 664 खुल गए, 100 सवा 100 होर तैयार है। पंजाब दे विच बस स्टैंड नवे बन रहे हैं, कचहरियां दियां तहसील कंपलैक्स दियां बिल्डिंगां नवीं बन रही ने। हुण किवें बनन लग गईआं जी? 1.5 साल 1.5 साल च किवें बनन लग गईआं? ये तो पहला क्यों नहीं बनी? 74 साल च 75 साल च नीयत है नहीं सी, नीयत खोटी सी, पैसे खांदे सी जगह। 12 तो टोल प्लाजा ही बंद करते अपने, खास तौर पर इधरले इलाके आने वाले जिहड़े उत्थों चंडीगढ़ों चलो गुरदासपुर आना होवे, बहुत 5-7 टोल प्लाजे सीगे बंद किए। और हर हफ्ते ये हो रहा है, आज गुरदासपुर में 1850 करोड़ के काम शुरू हुए, पिछले हफ्ते होशियारपुर में 850 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए थे, उसके पहले हम धुरी गए थे, धुरी में पंजाब के लोगों की तीर्थ यात्रा योजना शुरू हुई थी, उसके पहले हम पटियाला गए थे। हर हफ्ते हम एक ना एक इलाके में जा रहे हैं और इतनी तेजी से पंजाब का विकास हो रहा है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। अभी अभी हम लोग आपका गुरदासपुर का बस स्टैंड का उद्घाटन करके आ रहे हैं। ये आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। जब भी आप दूसरी पार्टियों के पास जाते थे वो लोग कहते थे पैसे नहीं है, पैसे तो थे वो सारे पैसे खा जाते थे।
अब ईमानदार सरकार आई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है, पंजाब का खजाना भरा हुआ है। जो खजाना ये खाली छोड़ के गए थे, 1.5 साल के अंदर हमने पंजाब का खजाना भर दिया, आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, कोई पंजाब का खजाना खाली नहीं है। 1850 करोड़ रुपए का पैकेज मान साहब आपके लिए लेके आए हैं, पंजाब सरकार जो आपके लिए लेके आई है, इससे इतनी तरक्की होगी गुरदासपुर की। 2 बड़े बड़े शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, शानदार। पंजाब में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा फ्री होगी। मैं आज चैलेंज करके जा रहा हूं, जिस दिन वो दोनों स्कूल बन जाएंगे, अमीर से अमीर आदमी भी गुरदासपुर का अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएगा। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना रहे हैं। 2 जिला अस्पताल, एकदम शानदार जिला अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, MRI की, एक्सरे की, इस मशीन की, उस मशीन की, सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, और सबसे अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा अच्छे 2 सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। सड़कें बनाई जाएंगी, आपका बस अड्डा तो बन के तैयार हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, बिजली का ग्रिड लगाया जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो गुरदासपुर की जरूरत हो और इस पैकेज के अंदर ना हो, आपकी सारी जरूरतें इस पैकेज से दूर की जाएंगी। और ये मत सोचना कि ये अकेला पैकेज है, इसके बाद आपकी जितनी जरूरतें रहेंगी फिर आएंगे आपके पास और पैसे लेके आएंगे। गुरदासपुर की तरक्की में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी, आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरदासपुर में 14.92 करोड़ रुपए की लागत नाल 6 एकड़ जमीन में उसारे गए बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराजी बस टर्मीनल भी लोगों को समर्पित किया। उन्हें कहा कि बस अड्डा आधुनिक सहूलतों से लैस है। भगवंत सिंह मान ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घणी के बंगर में 10.15 करोड़ रुपए की लागत नाल बने 50 मीट्रिक टन पशु खुराक प्लांट का बाईपास प्रोटीन प्लांट भी लोगों को समर्पित किया। यह प्रोजैक्ट नवी तकनोलॉजी नाल लैस है, इस नाल डेयरी फार्मर्स नूं वड्डा लाभ प्राप्त होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया। मिल्कफेड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह, मिल्कफेड पंजाब के MD डॉक्टर कमल कुमार गर्ग और होरना अधिकारियों वालों इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने दस्सिया कि इस प्रोजैक्ट नाल सीधे तौर उत्ते डेयरी फार्मिंग नाल जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिल्कफेड के इतिहास में एक बड़ा बड़ा डूंगा मील पत्थर साबित हो जा रहा है। ये जड़ा प्लांट कोई 10.25 करोड़ रुपए की लागत के नाल जड़ा ये प्लांट लग रहा है, बाईपास प्लांट जिन्हों आप कह दें, किसान जड़ा आ रीढ़ की हड्डी आ मिल्कफेड की, और किसान तो अगे जाके जड़ा पशु आ सारा कुछ ही आ, और जड़ा पशु आ उन्हूं जिहड़ी भी कोई खुराक जदों मिलनी आ उहदी दुध दे उत्पादन की जिहड़ी समर्था आ उदों वाधा होना आ, जदों कोई भी खुराक जिदां मनुख नूं भी कोई खुराक उदों लगती है जदों बहुत सारे सप्लीमेंट्स जिहड़े आ अजकल जिदां रुझान आ कि सप्लीमेंट्स नाल दो मनुख नूं ते उह खुराक जिहड़ी दूरी तीरी लगती है। इस तरह यह बाईपास हो के जदों कोई भी बाय प्रोडक्ट जिहड़ा आ उह फीड जिहड़ी आ उह किसान दे उहदे दुधारू पशु के अंदर जानी आ तां उह घट वध तों वध जिहड़ा उहनूं उह खुराक लगनी आ ते उहदा करके उहने उहदी समर्था जिहड़ी आ दुध दी उह वधाउणी आ। अगर दुध की समर्था वधदी आ ते मिल्कफेड का सारा कुछ ही जिहड़ा आ उह मिल्क आ, और जदों मिल्क वधेगा तो मिल्कफेड भी जिहड़ा उह तरक्की च जाएगा। सो इस करके अज इह सारे डायरैक्टर साहिबान मेरे नाल सरदार गुरभेर सिंह टिब्बी, सरदार भुपिंदर सिंह बिट्टू, सरदार अमनदीप सिंह और सरदार अमनदीप सिंह दूसरे साढ़े अमृतसर तो, साढ़े मौरिया साहब तो PP सिंह जी और जिन्हें भी इतने स्टाफ मैंबर इतने आए ने, माल साहब जिन्हें भी स्टाफ मैंबर ने, तुसी खड़े हो, मैं सारे अपने दिल दियां गहराइयां तो
तय दिलों ता धन्यवादी हाँ कि तुसी सारिया ने रल मिल के इस प्रोजैक्ट नूं लाउण विच ते इस नूं अगे चलाउण विच जिहड़ा बहुत वड्डा योगदान देना है ते पिछे दिता उस लई मैं तुहाडा बहुत वड्डा धन्यवादी हाँ ते अज इत्थे खास तौर ते तुहाडे पहुँचण ते मैं तुहानूं धन्यवाद कहिंदा। मिल्कफेड पंजाब वल्लों अते नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड दे सहयोग नाल जो अज पंजाब सरकार द्वारा CM साहब द्वारा उद्घाटन किया गया इस प्रोजैक्ट का, उनके लिए सब तो पहला तो मैं पूरे पंजाब वासियों नूं बहुत बहुत वधाई दिना। इस चीज़ के नाल जिहड़ा साडा जोन है क्यों पंजाब दे विच मिल्कफेड दे दो ही कैटल फीड प्लांट ने जिहड़ा मालवे अधे मालवे नूं और पूरे माझे नूं कवर करता और जम्मू कश्मीर तक कवर करता एक घनी के बांगर प्लांट है और जितों अज सब तो वड्डा ये प्रोजैक्ट शुरू हो रहा है और इस प्रोजैक्ट के बनते सारियां नूं बहुत बहुत वधाई देना। पंजाब विच शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच चुनौती दी गई है। हुशियारपुर के वासी परविंदर सिंह ने वकील HC अरोड़ा राही दायर की गई जनहित पटीशन राही इस स्कीम नूं चुनौती देंदिया कहा कि यह स्कीम लोगों के पैसे की दुरवरतों है और इस नाल सूबे का कोई भी भला नहीं होगा। इस तों बाद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं 12 दसंबर लई नोटिस जारी करके जवाब मंगे। हाई कोर्ट ने सरकार तो पूछे कि इस स्कीम उत्ते पाबंदी क्यों ना लगाई जाए। जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को गुरपुरब मौके पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। इस स्कीम तहत पंजाब के लोगों को देश भर के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। संगरूर के मैरीटोरियस स्कूल में कैंटीन का खाना खाने तो बाद 60 के करीब बच्चों की सेहत बिगड़ गई। बीमार बच्चों संगरूर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने संगरूर के अस्पताल में जाके स्कूली बच्चों का हाल चाल जाणिया। इस मौके सिख्या मंत्री ने X ट्वीट किया कि संगरूर पहुँच के सिविल अस्पताल में बीमार विद्यार्थी मुलाकात की। उन्हें कहा कि विद्यार्थी हुण ठीक ने तेजी नाल होर ठीक हो रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी घबराहट की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें भी दसा कि इस मामले में ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द किया गया ना ही उसनों मैस इंचार्ज समेत धारा 307 IPC तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। विद्यार्थियों की शिकायत उत्ते समय सिर कार्रवाई न करन कारण संबंधित प्रिंसीपल नूं भी मुअत्तल किया गया। नाल ही उन्हें कहा कि सेहत और सिक्ख्या विभाग दीआं वख-वख टीमां हर मैरीटोरियस स्कूल की निगरानी कर रही ने। उन्हें कहा कि फीडबैक का फार्म मैरीटोरियस स्कूल के हरेक विद्यार्थी स्कूल में भेजा जा रहा है। मुख्य दफ्तर द्वारा निजी तौर उत्ते इसकी निगरानी की जाएगी। पटियाला जेल अंदर फांसी कोठड़ी में बंद जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह राजोणा नाल मुलाकात करने लई श्रोमणी अकाली दल ने ADGP जेलना पंजाब कोलों 2 मैंबरी वफद सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ते सरदार विरसा सिंह वलटोहा लई 5 दसंबर तो पहला मुलाकात लई समां मंगिया सी। ADGP जेलना वल्लों दित्ती मंजूरी मुताबिक अकाली दल दा वफद 4 दसंबर नूं जेल अंदर भाई राजोणा नाल मुलाकात करेगा। मुलाकात दौरान भाई राजोणा की फांसी की सज़ा की अपील संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों कोई फैसला ना ले जाण करके पैदा हुए हालातों से संबंधी अकाली दल वालों चुके जा रहे कदमों बारे उन्होंने जानकारी दी जाएगी। श्रोमणी अकाली दल भाई राजोणा दी कौम प्रति कीतियां सेवावां अते उन्हां दीआं भावनावां की कदर करदे उन्होंने अपील करता है कि वह भुख हड़ताल वर्गा कदम ना चुकन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार के नशा मुक्त पंजाब के संकल्प की सिद्धि लई DGP पंजाब गौरव यादव की अगवाई में जिला पुलिस वालों पहली ओपन अथलैटिक्स चैंपियनशिप शहीद भगत सिंह स्टेडियम फाजिलका में करवाई गई, जिसका उद्घाटन विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल और SSP मनजीत सिंह ढेसी ने किया। इस मौके ADC रविंदर सिंह अरोड़ा, SP मनजीत सिंह, DSP नारकोटिक्स अतुल सोनी समेत वख-वख अधिकारी और समाज के पतवंते सज्जन हाजिर सन। इस खेड मुकाबले में वड्डी गिणती में खिडारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके गिद्धा भंगड़ा ते नशे खिलाफ़ जागरूकता पैदा करने लई नाटक भी पेश किया गया। नशे खिलाफ़ लड़न का सब ने प्रण किया ते पैराग्लाइडर का शो खिच का केंद्र रहा। फाजिलका के विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना, DC ते SSP ने नौजवानों नूं नशे का त्याग करके खेडां नाल जुड़न की प्रेरणा की। आम लोगों की आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार वालों पंजाब दे विचों नशा खत्म करने बहुत वड्डे उपराले किए जा रहे हैं और अज फाजिलका जो सरहदी जिला है जो बिल्कुल सरहद के नाल लगता है, इधरों पाकिस्तान है, उधरों नाल राजस्थान स्टेट भी लगती है, तो उतो जी साडी जिला पुलिस फाजिलका दे साडे जिला पुलिस मुखी सरदार मनजीत सिंह ढेसी उन्हों वालों उन्हों की सारी टीम वालों जो अज इतें
ओपन एथलैटिक मीट का आयोजन किया गया। मैं जो ये अज एथलैटिक मीट करा रहे हैं मैं शलाघा करता, बहुत ही चंगा काम कर रहे हैं जो अज नशियां तो दूर नौजवानों रखने लिए और खेडा वाल प्रेरित इस खेडा दे विच जो नौजवान हिस्सा लैणगे और जो देखणगे भी वह भी इस तो प्रेरणा लैके खेडा वाल लगणगे, क्योंकि जिहड़ा अपना नौजवान है इहनू किसे काम वाल लाउणा जब कह दी जो वेला हुंदा नौजवान कोई और गलत कामां वल दिमाग ना जाए और खेडां ने हुण जिहड़ी पंजाब दी साडी सरकार है असीं पिंडां दे विच तकरीबन 15 दे करीब जिहड़े खेडां दे स्टेडियम शुरू कीते ने और इस तों इलावा 6 लाइब्रेरियां हुण बनाउण लगे आ ताकि जिहड़े साडे नौजवान ने बच्चे पढ़ाई वल वी लगण खेडां वल वी लगण। और अज जो उपराला किया गया सारे पुलिस प्रशासन वालों मिल के साड़ा जिहड़ा जिला प्रशासन है उन्हां दा सहयोग साढ़े पंजाब जिहड़े फाजिलका दे लोग ने उन्हां सारिआं दे समाजिक संस्थावां दे जिहड़े सहयोग नाल उपराला करवाया जा रहा है। मैं धन्नवाद करदा साडे डीसी साहब जो जदों दे साडे इत्थे फाजिलका SSP लग के आए ने ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ IPS ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਯੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਚੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਾਲਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5:10 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ 24 ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਆ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਰੀ ਡਾਗੀ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਲਾਰਨ ਸਰੋੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਂਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪਤਪ ਸਮਾਗਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।